और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर हर तरह के इलाज की पेशकश। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का ख़त नवाज शरीफ को मौसूल हो गया। नवाज शरीफ ने ख़त के जवाब के लिए वक्त मांग लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीला जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताइएगा, ख़त में क्या लिखा गया है हुकूमत की जानिब से और नवाज शरीफ की जानिब से जवाब कब तक दिया जाएगा? अरे बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो नवाज शरीफ को हर तरह के इलाज की पेशकश पर मबनी खत तहरीर किया है, वो आज जो खत है वो जेल हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ को मौसूल करवा दिया है। और इस खत को मौसूल करने के बाद नवाज शरीफ ने इसका जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। नवाज शरीफ इस हवाले से अपने जो है अपने डॉक्टर्स और दीगर साथी जो है उनके मशावरत के बाद इस खत का जवाब देंगे। हुकूमत पंजाब ने 8 मार्च को यह खत तहरीर किया था, जिसमें बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ को यह पेशकश की गई है कि उनकी बीमारी के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से हुकूमत पंजाब उन्हें हर तरह की मुल्क के अंदर सहूलत देने के लिए तैयार है। वो जिस डॉक्टर से भी, जिस सदर हॉस्पिटल में भी पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाना चाहें, हुकूमत पंजाब उन्हें मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेगी। बहरहाल खत आज जेल हुकाम ने नवाज शरीफ को मौसूल करवा दिया है, अब नवाज शरीफ के जवाब का इंतजार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।